Hello students, this is Simbala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study Geo Chapter 3 of Class 10. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopen. आज हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर जल संसाधन. हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल जो है बहुत ही कम है. और ये अलवणीय जल जो है हमें नदियों, झीलों और भूमजल से प्राप्त होता है. जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है जो हमेशा गतिशील रहता है और जल चक्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है. जल चक्र क्या है? जल चक्र महासागरों का जल वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल के अंदर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा बादलों में बदल जाता है और फिर वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है और महासागरों में मिल जाता है. तो इस तरह जल का गतिशील होने का ये चक्र हमेशा चलता रहता है. अब जल के कुछ आंकड़े या कह लो कुछ तथ्य निम्नलिखित है. विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% जो है महासागरों में पाया जाता है, जो कि खारा जल है, पीने योग्य नहीं है. और अलवणीय जल 2.5% है, यानी कि जो मीठा और शुद्ध जल है. लेकिन इसका भी 70% जो है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों व हिम नदियों के रूप में पाया जाता है और 30% जो है भूमजल के जलभृत के रूप में है. भारत विश्व की वर्षा का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारत का विश्व में 133वां स्थान है. भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन जो है वो लगभग 1897 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है. और कहा जाता है, यानी कि भविष्यवाणी की जाती है कि 2025 तक भारत जो है जल की एक बहुत बड़ी कमी को झेलेगा. जल जो है नवीकरण योग्य संसाधन है, लेकिन फिर भी विश्व के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल की कमी पाई जाती है. जैसे कि भारत में राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्रों में महिलाएं जो है जल से भरे मटके जो है लेकर बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं और जो है वहां पर जल की कमी बनी रहती है. अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता. सबसे पहले आता है कि जल दुर्लभता क्या है. जल दुर्लभता वह अवस्था जिसमें हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी स्वच्छ जल की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसे जल दुर्लभता कहते हैं. जल दुर्लभता के कारण क्या है? जल का अतिशोषण, यानी जल का प्रयोग जो है बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो है दिन भर दिन जल की कमी होती जा रही है. जल का अत्यधिक प्रयोग, यानी कि खेत कृषि के लिए भी जो है सिंचाई करने के लिए जल का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण जल की कमी होती है. समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, अर्थात कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां जल का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, जैसे कि उद्योगों के अंदर जो है उद्योगों में जल के द्वारा जल विद्युत का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है. इसके अलावा अत्यधिक व बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जो है जल व बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल व ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जल की कमी होती है. औद्योगिकरण व शहरीकरण के कारण, औद्योगिकरण यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, उद्योगों के लिए भी जो है मशीनों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है. तथा शहरीकरण यानी कि नए नए शहरों के विकास के कारण भी जो है अधिक जल की आवश्यकता होती है और जल का अधिक मात्रा में उपयोग करना जल दुर्लभता का कारण है. इसके अलावा कि प्रचुर मात्रा में जल होते हुए भी जल दुर्लभता के कारण, यानी कि इतनी अधिक मात्रा में पृथ्वी पर जल होते हुए भी जो है जल की कमी पाई जाती है. इसका कारण है घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि घरों से निकला हुआ, घरेलू कार्यों से निकला हुआ गंदा पानी और कारखानों से निकला हुआ गंदा पदार्थ जो है नदियों में छोड़ देने से जो है जल प्रदूषित हो जाता है. इसी तरह रसायनों, कीटनाशकों यानी कि
कृषि में प्रयुक्त होने वाले जो कीटनाशक है और रसायनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से भी जो है जल प्रदूषित होता है। तो इसलिए जो है कि इस जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो है हमें कुछ जो है जल का संरक्षण करना होगा और उसका उचित प्रबंध करना होगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आते हैं खाद्यान्न सुरक्षा। खाद्यान्न यानी कि जल संसाधनों का सुरक्षण करके ही हम जो है अपने खाद्यान्न को सुरक्षित कर सकते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र को निम्नलिखित होने से बचाना, अर्थात यदि हम जल का गलत तरीके से उपयोग करते रहे तो वन्य जीव जंतुओं के लिए भी जो है जल की कमी हो जाएगी और भूमि जो है वो निम्नलिखित हो जाएगी। तो इसलिए अपने प्राकृतिक पारितंत्र व मृदा को निम्नीकरण से, भूमि को निम्नीकृत होने से बचाने के लिए भी जो है जल संसाधनों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। जल संसाधनों का उचित प्रयोग यानी कि जो हमारे पास जो अलवणीय जल है उसका सही मात्रा में उपयोग करने के लिए उसका उचित प्रबंध करना चाहिए कि कहाँ कितना जल प्रयोग किया जाए, इसके लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। अगला आता है हमारा टॉपिक बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। सबसे पहले आता है बहुउद्देशीय नदी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या होती है कि वे परियोजनाएं जिनकी से हमें एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है उन्हें बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा जो है इनका जल जो है हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि कृषि के लिए जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है और इन परियोजनाओं से हमें अधिक मात्रा में जल प्राप्त होता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा जो है विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, अर्थात जल विद्युत बनाई जाती है। इसका जल जो है घरेलू कार्यों तथा उद्योगों के अंदर भी प्रयोग में लाया जाता है। ये परियोजनाएं जो है बाढ़ को नियंत्रित करती है, अर्थात बाढ़ को कम करने में सहायक है। इन परियोजनाओं के द्वारा मछली पालन को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जब ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा मछली पालन किया जाता है। आंतरिक नौचालन यानी कि जो है नौकाओं को चलाने के लिए जो है ये जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं अत्यधिक उपयोगी है तथा मनोरंजन का भी साधन है। ये थे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कुछ लाभ। अब आती है इसकी हानियां कि इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बनाने से नदियों का बहाव जो है वो अवरुद्ध हो जाता है और नदियां जो है प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण जो है नदियों के अंदर तलछट भी कम का भाव अवरुद्ध हो जाता है और वो तलछट जो है उन जलाशयों की तली में जमा हो जाता है, जिसके कारण जो है जलीय जीव आवासों के भोजन में कमी हो जाती है। इसके अलावा नदियां जो है ये बांध जो है नदियों को टुकड़ों में बांट लेती हैं, जिसके कारण विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है और बाढ़ के मैदान वाले क्षेत्रों में वनस्पति तथा मिट्टी जो है वो इस जलाशयों के द्वारा मौजूद वनस्पति जो है इसमें डूब जाती है और इसमें मिक्स मिल जाती है। अगला टॉपिक है हमारा बांध। बांध जो है बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा को बांध कहते हैं और बांध के कारण जो है आमतौर पर जलाशय और झीलें बनती हैं। बांधों का वर्गीकरण जो है उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। संरचना के आधार पर बांध जो है लकड़ी के बांध, तटबंध बांध और पक्का बांध में वर्गीकृत किए जाते हैं। इसी तरह ऊंचाई के आधार पर बड़े बांध, मध्यम बांध व ऊंचे बांध होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इन बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। इन बांधों को जो है कि बांध जो है परंपरागत बांध और आधुनिक बांध में भी वर्गीकृत करते हैं। परंपरागत बांधों का उद्देश्य क्या था कि नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। लेकिन दूसरा है आधुनिक बांध। आधुनिक बांध जो है कि आजकल जो है
बांध बनाने का उद्देश्य सिर्फ सिंचाई के लिए जल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य बिजली का उत्पादन करना, बाढ़ के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, आंतरिक नौचालन करना एवं मछली पालन करना है। इस कारण बांधों को बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं भी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।